दोस्तों ई बुक के साथ ये वाला पोर्शन फ्री दिया जा रहा है जो 22 जनवरी तक फ्री है। जो ई बुक खरीदना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला सवाल है, स्वतंत्र भारत में रिटायर होने वाला अंतिम ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी कौन था? अर्थात वह इंडियन सिविल सर्वेंट था और आज़ादी के बाद भी भारत में कार्यरत था और फिर यहाँ से रिटायर होके वापस ब्रिटेन चला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, JPL ग्विन। ये 1968 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर थे और वहीं से रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में रिटायर होने वाला यूरोपियन मूल का अंतिम आईसीएस अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम ब्रूम। इन्होंने 1958 में भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी और फिर ये भारत में ही रहे थे और 1972 में ये रिटायर हुए थे। तो ये ध्यान रखना है, डिफरेंस है पहले और दूसरे क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रिटायर होने वाला अंतिम ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी। इसमें चीफ जस्टिस के रूप में रिटायर होने वाले आईसीएस अधिकारी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड फाल्सो। ये मई 1966 में पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए थे। रिटायर तो क्या हुए थे, एक्चुअली इन्होंने रिजाइन दे दिया था। अब देखिए, ओवरऑल अंतिम आईसीएस ब्रिटिश अधिकारी वो तो था JPL ग्विन, लेकिन चीफ जस्टिस के रूप में आईसीएस अंतिम ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी तो वो हो जाएगा डोनाल्ड फाल्सो, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में आईसीएस परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईशा बसंत जोशी। अब देखिए, मैंने इस प्रश्न में पांच ऑप्शन रखे हैं, पांचों ऑप्शन किसी विशेष उद्देश्य से रखे हैं, इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, ईशा बसंत जोशी जो ऑप्शन ए है, इन्होंने स्वतंत्रता से पहले आईसीएस परीक्षा पास की थी और 1947 में आईसीएस परीक्षा को आईएएस में कन्वर्ट कर दिया था। और ऑप्शन बी है अन्ना राजम मल्होत्रा, ये स्वतंत्रता के बाद आईएएस बनने वाली और आईएएस परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली महिला थी। ऑप्शन सी किरण बेदी को देखिए, ये 1972 के बैच में भारत की पहली आईपीएस महिला बनी थी। और ऑप्शन डी को देखिए, कंचन चौधरी, ये भारत की दूसरी महिला आईपीएस थी जो 1973 में आईपीएस बनी थी। और सबसे बड़ी बात, कंचन चौधरी भारत के किसी भी राज्य की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और साथ में याद क्या रखना है आपको, ये उत्तराखंड की डीजीपी बनी थी। अर्थात उत्तराखंड ही वो राज्य है जिसमें सबसे पहले महिला डीजीपी नियुक्त की गई थी। ऑप्शन ई को देखिए, अर्चना रामासुंदरम, ये भारत के किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, मैंने पिछली वीडियो में बताया था पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में, तो किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है ये 2018 में SSB यानी सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर जनरल बनी थी। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने से पहले रंजन गोगोई किस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे? ये प्रश्न आने वाले KVC में ज़रूर पूछा जाएगा, इसको नोट कर लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब यहाँ पे कुछ हाई कोर्ट दिए हैं और उन हाई कोर्ट्स की बिल्डिंग के जो डिजाइनर हैं प्रमुख, वो आप देख लेना। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डिजाइनर थे ले कोबसियर, मुंबई हाई कोर्ट के जेम्स फुलर, कलकत्ता हाई कोर्ट के वाल्टर ग्रैनविले, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कर्नल पायल और मद्रास हाई कोर्ट के बिल्डिंग के डिजाइनर थे JW ब्रासिंगटन।